नमस्कार। नमस्कार, आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर सबस्पेस सदिश उपसमष्टि। तो ये जो है कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार BSc पार्ट थर्ड में मैथमेटिक्स फर्स्ट प्रथम पेपर का भाग है, और इस वेक्टर सबस्पेस सदिश उपसमष्टि की को पढ़ने से पहले वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि की जानकारी होना जरूरी है, जो कि बच्चों को पिछले लेक्चर में हमने दे रखी है। तो सबसे पहले हम परिभाषा दे रहे हैं वेक्टर सबस्पेस सदिश उपसमष्टि की। तो कोई भी वेक्टर स्पेस VF होता है तो उसका जो सबस्पेस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अधिक तो उपसमुच्चय W ऐसा हो कि वो V द्वारा प्रेरित संक्रियाओं के लिए भी एक सदिश समष्टि हो जाता है, तब हम कहते हैं कि दिस इज ये एक उपसमष्टि है। मतलब V के में जो सदिश योग और V में जो सदिश अदिश गुणा है, तो उन दोनों ही संक्रियाओं के लिए सदिश W जो है वो भी संक्रियाएं संतुष्ट करें, तो इसको कहते हैं कि ये जो है एक सदिश उपसमष्टि है। किसी भी सदिश समष्टि की हमेशा दो उपसमष्टियां अवश्य विद्यमान रहती हैं। तो पहली तो V स्वयं और दूसरी शून्य समष्टि। तो इन दोनों समष्टियों को तुच्छ उपसमष्टि या ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं, और इनके अलावा यदि कोई होती हैं उपसमष्टि तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबस्पेस मुख्य उपसमष्टि। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं कि भाई कोई भी सदिश उपसमष्टि का उदाहरण देखना चाह रहे हैं हम। तो पहले कोई प्लेन ले रहे हैं समतल, जो ओरिजिन मूल बिंदु से पास होता है, तो उसको इस तरह से ले रहे हैं कि पी एक्स बराबर एक्स वाई जेड सच देट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो ये ऐसे एक्स वाई जेड की इक्वेशन होगी, समतल होगा जो ओरिजिन से मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो ये एक आर थ्री का सबसेट है, उपसमुच्चय है, और जिसमें सदिश योग और अदिश गुणा इस तरह से परिभाषित हैं। तो सदिश योग जो है वो हम ये ले रहे हैं कि एक्स वन वाई वन जेड वन प्लस एक्स टू वाई टू जेड टू बराबर एक्स वन प्लस वाई एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस जेड वन प्लस जेड टू। और इसी तरह से अदिश गुणा जो है आर, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है आर का, तो आर इंटू एक्स वाई जेड बराबर लिख रहे हैं आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। तो इस तरह से इस उपसमुच्चय में जो ओरिजिन से मूल बिंदु से गुजर रहा है उसके अंदर हमने सदिश योग और अदिश गुणा परिभाषित कर रखा है। तो इसके आधार पर ये जो होता है एक सदिश उपसमष्टि होता है वो देखते हैं हम किस तरह से होता है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं कि टू शो दैट पी इज ए सबस्पेस वी नीड ओनली नोट दैट इट इज ए सबसेट एंड देन वेरीफाई दैट इट इज ए स्पेस वी वॉन्ट चेक ऑल कंडीशंस जस्ट द टू क्लोजर वंस फॉर क्लोजर अंडर एडिशन नोट दैट इफ समान सेटिस्फाई दैट एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स टू प्लस वाई टू प्लस जेड टू इक्वल टू जीरो देन द सम also satisfy x1 plus x2 plus y1 plus y2 plus z1 plus z2 बराबर x1 plus y1 plus z1 plus x2 plus y2 plus z2 equal to 0 and similarly x plus y plus z equal to 0 implies rx plus ry plus rz बराबर rx plus y plus z equal to 0। so इस तरह से इसके अंदर सदिश योग और अदिश गुणा जो है क्लोज्ड हो जाता है, द्विआधारी संक्रिया हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है एक उपसमष्टि हो जाती है। इसको हिंदी में पुनः उल्लेखित कर रहे हैं, तो मूल बिंदु से गुजरने वाला समतल है पी एक्स वाई जेड सच देट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो जो एक आर थ्री का उपसमुच्चय है और इसमें सदिश योग और अदिश गुणा इस तरह से परिभाषित कर रखा है कि एक्स वाई एक्स वन वाई वन प्लस जेड वन प्लस एक्स टू वाई टू जेड टू इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू एंड जेड वन प्लस जेड टू
इसी तरह से अदिश गुणा जो है वो आर इंटू एक्स वाई जेड बराबर आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। तो यहाँ पर क्योंकि पी जो है आर थ्री का उपसमुच्चय है तो इसके अंदर केवल संक्रियाओं को द्विआधारी क्लोज्ड बता करके भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो है एक उपसमष्टि है, क्योंकि बाकी अन्य संक्रियाएं जो हैं सदिश योग के लिए क्रम विनिमयता है साचार्यता है वो आर थ्री में लागू होती हैं तो इसके उपसमुच्चय में भी लागू होती हैं। तो इस तरह से ये जो है एक उपसमष्टि है आर थ्री की। फिर हम लेते हैं इसका क्राइटेरिया कि भाई कोई भी सबसेट जो है वो उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा। उसके लिए मूल परिभाषा तो वही है कि भाई ये सदिश प्रेरित संक्रियाओं के लिए सदिश समष्टि हो जाए, लेकिन इसकी कुछ गुणधर्म को चेक करके भी हम परख करके भी ये बता सकते हैं कि यह एक सदिश उपसमष्टि है या नहीं है। तो इसके आधार पर एक थ्योरम है, इससे संबंधित थ्योरम है परमेय, तो द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी ए सबस्पेस इज ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो किसी सदिश अर्थात किसी सदिश समष्टि वी एफ के एक अरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू के लिए वी एफ की एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध इस तरह से हैं कि किसी भी प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है वो डब्ल्यू का अवयव हो जाए, डब्ल्यू में बिलोंग करें। तो ये जो शर्त हैं ये आवश्यक भी हैं और पर्याप्त भी हैं, नेसेसरी एंड सफिशेंट एज वेल। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं इस तरह से। तो पहले हम देख रहे हैं कि कंडीशन इज नेसेसरी, प्रतिबंध की आवश्यकता। तो इसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि डब्ल्यू जो है वी एफ की एक उपसमष्टि है, तो हम दिखाएंगे कि ये प्रतिबंध जो है जरूरी हैं, आवश्यक हैं। तो क्योंकि डब्ल्यू जो है अदिश गुणन के सापेक्ष संवृत होता है, तो इस तरह से किसी भी ए बिलोंग्स टू अल्फा तथा अल्फा ए बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, तथा इसी तरह बी बिलोंग्स टू एफ तथा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए बी बीटा हो जाएगा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो पुनः ये दो अवयव हो गए डब्ल्यू के, ए अल्फा तथा बी बीटा, और डब्ल्यू जो है सदिश योग के लिए भी संवृत हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए अल्फा कोमा बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी ए और बी बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए हमें यह प्राप्त हो रहा है ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह दिया गया प्रतिबंध जो है वो एक आवश्यक है। तो इसका जो दूसरा जो भाग है द कंडीशन इज सफिशेंट, प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो इसमें हम इस प्रतिबंध को मान करके चलेंगे और ये दिखाएंगे कि डब्ल्यू जो है एक सदिश उपसमष्टि है वी एफ की। तो ए और यहाँ पर उसको प्रूव करने के लिए सदिश समष्टि की विभिन्न गुणधर्म प्रूव करने के लिए हम ए और बी के लिए अलग अलग चॉइस का चयन करेंगे कि पहले हम चूज कर रहे हैं चयन कर रहे हैं ए और बी बराबर वन ले रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि वन वन बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इससे हमें मिलेगा वन अल्फा प्लस वन बीटा अर्थात अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि W जो है सदिश योग के लिए संवृत है। दूसरी बार हम चूज कर रहे हैं A बराबर माइनस वन तथा B बराबर जीरो ले रहे हैं, तो माइनस वन जीरो बिलोंग्स टू F तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। तो उस प्रतिबंध से माइनस वन अल्फा प्लस जीरो बीटा बिलोंग्स टू W अर्थात माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W। तो इस तरह से हम देखते हैं कि W में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम उपस्थित है। अगेन हम दोबारा A और G जीरो और B को जीरो लेने पर हमें जीरो जीरो बिलोंग्स टू F तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, तो प्रतिबंध से जीरो अल्फा प्लस जीरो बीटा बिलोंग्स टू W अर्थात जीरो बिलोंग्स टू W। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि W में शून्य सदिश भी उपस्थित हैं।
तो अब हमने दिखा दिया कि एक तो W में योज्य प्रतिलोम विद्यमान है और एक उसमें सदिश योग जो है क्लोज्ड है, बाइनरी है, तथा इसमें शून्य सदिश उपस्थित हैं। अब चूंकि W जो है V का एक सबसेट है, तो V में सदिश योग सहचारी एवं क्रमिणी में है, अतः W में भी ये सदिश योग सहचारी एवं क्रमिणी में होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि W प्लस जो है एक क्रम विनिमेय समूह होगा। तो पुनः B बराबर जीरो लेने पर हम देखते हैं कि A बिलोंग्स टू F तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, इससे में उस प्रतिबंध में A और जीरो रखने पर A अल्फा प्लस जीरो बीटा अर्थात A अल्फा बिलोंग्स टू W। तो इस तरह से हम देखते हैं कि W जो है वो अदिश गुणन के लिए भी संवृत्त हैं, क्लोज्ड हैं। तो शेष परंतु W जो है सबसेट है V का, तो W सदिश समष्टि के जो शेष अभिग्रहित हैं V2, V3, V4, V5 इनको भी संतुष्ट करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि W जो है सदिश VF की एक उपसमष्टि है। तो आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध ये हो गया कि यदि कोई AB बिलोंग्स टू W तथा AB बिलोंग्स टू F तथा W बिलोंग्स टू, तो इस तरह से हमने ये सिद्ध किया कि W जो है कब सबस्पेस होगा और कब नहीं होगा। अब अगला जो आर्टिकल है वो इसके लिए है कि कोई भी सबस्पेस जो है उनके गुणधर्मों के ऊपर है कि दो या दो से अधिक सबस्पेस का इंटरसेक्शन या यूनियन लेते हैं तो वो सबस्पेस रहता है या नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि W जो है ये जो है इंटरसेक्शन के लिए ले रहे हैं कि कोई भी द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सबस्पेस, कि एक सदिश समष्टि की उपसमष्टियों के किसी कुल का सर्वनिष्ठ एक उपसमष्टि होती है। तो इस तरह से हम ये ले रहे हैं कि कोई भी एक कुल होता है सदिश उपसमष्टियों का, उनका इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ लेते हैं तो वो भी हमेशा एक सबस्पेस होता है, उपसमष्टि होती है। तो इसका प्रूफ हम इस तरह से देख रहे हैं कि वी एफ जो है एक सदिश समष्टि है तथा W1, W2 एंड सो ऑन इसकी उपसमष्टियां हैं का एक कुल है। तो हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई भी वी एफ की एक उपसमष्टि है। तो चूंकि जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई हर एक डब्ल्यू आई, क्योंकि हर एक डब्ल्यू आई जो है एक सदिश उपसमष्टि है, तो हर एक में जीरो उपस्थित रहेगा। तो जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई फॉर आल आई, तो इससे हमें यह मिल जाएगा कि जीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई। दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई इज नॉन एम्प्टी या अरिक्त समुच्चय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डब्ल्यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई जो है वो एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अब हम वो जो पिछले थ्योरम में आवश्यक प्रतिबंध पड़ा था उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि मान लिया अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, तो इससे हमें मिल जाएगा कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई फॉर आल आई, प्रत्येक आई के लिए अल्फा और बीटा इसमें बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू आई में। तो अब चूँकि डब्ल्यू आई जो है वी एफ की उपसमष्टि है, तो अतः किसी भी कोई भी ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई के लिए हमें मिल जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई फॉर आल आई। तो इस तरह से हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू एफ लेते हैं तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई लेते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं देन ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई जो है वो एक वी एफ की एक उपसमष्टि है। तो इस तरह से कोई भी सदिश उपसमष्टियां हैं अपने पास, तो उनका यदि इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमेशा एक उपसमष्टि होती है। अब जो है हम यूनियन के बारे में देखेंगे। तो जिस तरह से इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस होता है, तो यूनियन थोड़ा सा उल्टा है, वो नहीं होता है। तो अब जो है
हम इसके बारे में देखेंगे कि यूनियन कोई भी दो उपसमष्टियों का यूनियन जो है हमेशा सबस्पेस नहीं होता है, तो उसके लिए भी आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। वो इस तरह से हैं कि द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस डब्लू वन एंड डब्लू टू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ आइदर डब्लू वन सबसेट ऑफ द डब्लू टू और डब्लू टू इज सबसेट ऑफ द डब्लू वन। तो किसी भी सदिश उपसमष्टि की दो उपसमष्टियाँ डब्लू वन तथा डब्लू टू हैं तो उनका जो संघ है एक उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि या तो डब्लू वन सबसेट हो जाए डब्लू टू का और या फिर डब्लू टू सबसेट हो जाए डब्लू वन का। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि या तो डब्लू वन सबसेट है डब्लू टू का या डब्लू टू सबसेट है डब्लू वन का। तो हम देखेंगे कि यदि डब्लू वन सबसेट है डब्लू टू का तो तब डब्लू वन यूनियन डब्लू टू जो है वो डब्लू टू के बराबर होगा, तथा यदि डब्लू टू जो है सबसेट है डब्लू वन का तो डब्लू वन यूनियन डब्लू टू जो है डब्लू वन के बराबर हो जाएगा। अब चूँकि W1 तथा W2 दोनों ही सदिश उपसमष्टियाँ हैं इसलिए W1 यूनियन W2 भी एक सदिश उपसमष्टि हो जाएगी। तो इसका कन्वर्स या प्रतिलोम सिद्ध करने के लिए इस तरह से चल रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि माना W1 यूनियन W2 जो है वो सदिश समष्टि भी एफ की एक उपसमष्टि है। तब हम दिखाएंगे कि या तो W1 सबसेट है W2 का या फिर W2 जो है W1 का सबसेट है उपसमष्टि है। तो हम देखते हैं कि मान लो यदि संभव हो तो ये मान रहे कि W1 जो है W2 का सबसेट नहीं है, तो तब हमें एक ऐसा अवयव अल्फा मिलेगा बिलोंग्स टू W1 होगा जो कि W2 में उपस्थित नहीं है। तो हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि W2 जो है वो सबसेट है W1 का। तो इसको इस तरह से सिद्ध कर रहे हैं कि मान W2 का कोई अवयव ले रहे हैं बीटा, तो अब अपने पास अल्फा बिलोंग्स टू W1 है तथा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू टू, यानी कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू वन यूनियन डब्लू टू, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू वन यूनियन डब्लू टू। तो अब अल्फा प्लस बीटा जो है डब्लू वन यूनियन डब्लू टू का अवयव है, तो इस तरह से या तो अल्फा प्लस बीटा डब्लू वन में होगा और या फिर अल्फा प्लस बीटा डब्लू टू में होगा। तो पहले यदि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू टू और बीटा बिलोंग्स टू डब्लू टू है इसे, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा बिलोंग इक्वल टू अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू टू, जो कि समीकरण वन जो है उसका विरोधाभास है, क्योंकि अल्फ़ा हमने ऐसा का चयन ऐसा किया था कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू वन है लेकिन अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू डब्लू टू है। तो इसलिए ये जो संभावना है अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू टू ये संभव नहीं है, तो इसलिए हमें मिल जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू वन। तो अब दोबारा हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू वन तथा अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू वन, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बराबर बीटा बिलोंग्स टू डब्लू वन। तो इस तरह से हमें ये मिल गया है कि डब्लू टू का कोई अवयव लिया था बीटा और उस अवयव को हमने दिखा दिया है डब्लू वन में, तो हम ये कह सकते हैं कि डब्लू टू जो है डब्लू वन का सबसेट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि डब्लू वन डब्लू टू का सबसेट नहीं है तो W2 जो है वो W1 का सबसेट होता है। तो इसी तरह से इसका जो दूसरा भाग है कि यदि W2 सबसेट नहीं होगा W1 का तो भी ये दिखाया जा सकता है कि W1 जो है W2 का एक उपसमष्टि सबसेट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि कोई दो उपसमष्टियों का संघ जो है वो एक उपसमष्टि है तो वो भी या तो एक उपसमुच्चय जो है दूसरे को अंतर्विष्ट करेगा, तो वो तभी उपसमष्टि होगी यदि एक उपसमुच्चय जो है दूसरे उपसमुच्चय को अंतर्विष्ट करे। तो मैं डॉक्टर आर पी सोमानी एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, तो ये जो आज का टॉपिक था सदिश उपसमष्टि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कोई भी संदर्भ पुस्तक को पढ़ा जा सकता है देखा जा सक्ता है, और भी कोई इसके बारे में क्वारीज हो तो लिख करके भेजे जा सकती हैं। धन्यवाद।